हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही नेचुरल एंड सिंपल टीनेज गर्ल्स के लिए मेकअप लुक। सो आई होप गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। सो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं सबसे पहले अप्लाई कर रही हूँ ये एलोवेरा प्योर एलोवेरा विटामिन मॉइस्चराइजर क्रीम। और इस तरीके से देख सकते हैं मैंने इसे अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है। सो बहुत ही सिंपल ईजी मेकअप लुक है ये, बिल्कुल नेचुरल है और आप अंडर 2-5 मिनट्स में ये लुक क्रिएट कर सकती हैं। सो स्पेशली टीनेज गर्ल्स के लिए है। और यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट मैं ले रही हूँ फेयर एंड लवली क्रीम। सो यहाँ पर मैंने फेयर एंड लवली क्रीम को अप्लाई कर लिया है पूरे फेस पर, और मोस्टली ये सभी के पास अवेलेबल होती है। सो इस तरीके से देख सकते हैं मैं इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट गाइस मैं ले रही हूँ ये कंसीलर। सो ये हिलेरी उड्डा का कंसीलर है। सो अगर आपके डार्क सर्कल वगैरह हैं तो आप कंसीलर ज़रूर अप्लाई करें, और इससे आपका फेस वगैरह भी काफ़ी हाईलाइट होता है। सो इस तरीके से देख सकते हैं मैंने कंसीलर को अप्लाई कर लिया है, और इसके बाद मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर से इसे सेट कर रही हूँ। नेक्स्ट गाइस मैं ले रही हूँ ये कॉम्पैक्ट पाउडर। तो ये ब्लू हेवन का गेट ब्राइट कॉम्पैक्ट पाउडर है, और इस तरीके से आप देख सकती हैं मैं ब्रश की हेल्प से इसे अप्लाई कर लूँगी अपने पूरे फेस पे। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये आईब्रो पेंसिल। सो मैंने इस तरीके से, ये किस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल है, और इस तरीके से मैं अपनी आईब्रोज़ को शेप करके इसको फिल कर रही हूँ। नेक्स्ट गाइस मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का मस्कारा, और इस तरीके से आप देख सकते हैं मैं इसे अपनी आईलैशेज को कोट कर रही हूँ इसे। सो नेक्स्ट मैंने लिया है ये न्यूट कलर का लिपस्टिक, और इस तरीके से आप देख सकते हैं मैं अपने लिप्स पे अप्लाई कर लूँगी। सो बहुत ही इजी सिंपल मेकअप लुक है ये, और बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं ले रही हूँ थोड़ा सा ब्लश अप्लाई करना चाहती हूँ। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैं अपने चीक्स बोन्स पे इस तरीके से ब्लश को अप्लाई कर लूँगी। सो थोड़ा सा नेचुरल लुक क्रिएट हो जाता है। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा काजल भी अप्लाई कर लेती हूँ। सो मैंने यहाँ पर एली 18 का काजल लिया है, और इस तरीके से देख सकते हैं मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे इसे अप्लाई कर लूँगी। सो फाइनली गाइस आप यहाँ पर देख सकती हैं मेरा ये मेकअप लुक बिल्कुल नेचुरल एंड सिंपल लग रहा होगा। सो आप इस तरीके से ये लुक क्रिएट कर सकती हैं, बहुत ही ईजी है। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।